सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटे से घर से निकली लड़की जीरो से हीरो बनने तक की कहानी के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम मैरी कॉम के लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बनी। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी एज, एजुकेशन, इनकम, फैमिली, हाउस, कार कलेक्शन और नेटवर्थ के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इनका फुल नेम चंगेजिम मैरी कॉम है और निकनेम मैरी कॉम है। प्रोफेशन से एथलेटिक्स हैं। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के एक छोटे से गांव कंगथेड़ भारत में हुआ और 2022 के हिसाब से आज ये 39 साल के हो चुके हैं। आइए जानते हैं अब इनके एजुकेशन के बारे में। मैरी कॉम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और सेंट हेवियर स्कूल से की। 9th और 10th के लिए वो इम्फाल शहर गई, जहां पे उन्होंने आदिम जाति हाई स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वो हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सकी। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। अब बता देते हैं मैरी कॉम के करियर के बारे में। दोस्तों मैरी को बचपन से एथलेटिक्स में दिलचस्पी थी, लेकिन बॉक्सिंग में करियर बनाने का उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके मन में बॉक्सिंग को करने का जुनून तब पैदा हुआ जब 1999 में इन्होंने कुमार लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को बॉक्सिंग रिंग में लड़कों के साथ बॉक्सिंग के दाव पेंच अजमाते देखा। मैरी कॉम ने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने लड़कियों को लड़कों के साथ लड़ते देखा था तो मैं उनको देखकर चौंकित रह गई थी और तभी मुझे कि जब वे लड़कियां बॉक्सिंग कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। पर उसके बाद भी उनका ये सपना सपना ही रह गया। पर कुछ टाइम बाद उनके राज्य के बॉक्सर डिकोंग सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सर की सफलता ने मैरी कॉम को बॉक्सिंग फील्ड में आने के लिए और भी प्रेरित कर दिया। 15 साल की उम्र में मैरी ने ठान लिया कि आगे बॉक्सिंग में ही करियर बनाना है। मैरी कॉम ने खेल की ट्रेनिंग के लिए इम्फाल शहर के स्पोर्ट्स अकेडमी में एडमिशन लिया, जहां इन्होंने बॉक्सिंग की तैयारी करने लग गई। मैरी घर वालों से दूर रहकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी और उनके घर वालों को इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि मैरी कॉम के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सिंग खेले, क्योंकि इसमें चोट भी लगती है और अगर चेहरे पर चोट लगे तो साथ में भी परेशानी आ सकती है। इस वजह से शुरुआत में उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन मैरी ने 2000 में मणिपुर के स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने नाम की, तब उनकी जीत को अखबार और न्यूज चैनल पर दिखाया। इसके बाद उनके घर वालों को इस बात का पता चल गया था कि मैरी की मेहनत और लगन को देखकर घर वालों ने भी मैरी कॉम को सपोर्ट किया। साल 2000 में मैरी कॉम की मेहनत विश्व स्तर पर दिखाई गई, जहां इन्होंने AIBA वुमन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। अगले साल इसी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। साल 2005 में ओलन कॉम से मैरी की शादी हुई। शादी के बाद भी उनकी पति ने उनका साथ दिया और बॉक्सिंग के खेल में हमेशा उनका सपोर्ट करते रहे। अभी 24 नवंबर 2018 को न्यू दिल्ली में हुए AIBA वुमन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम करते हुए 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बनी। मैरी कॉम ने 3 बच्चों की मां होते हुए भी इतना बड़ा काम कर दिखाया। दोस्तों बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो इनके पिता का नाम तोपो काम था, जो कि एक गरीब किसान थे, और इनकी माँ का नाम एहकुम काम है। मेरी कॉम के परिवार में एक छोटी बहन और भाई हैं। इनके हस्बैंड का नाम कर्नव अंकोलियर कॉम है और इनके 3 बच्चे भी हैं। अब जान लेते हैं इनके हाउस के बारे में। फिलहाल दोस्तों मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर इंडिया में रहते हैं। आप इनके घर की कुछ झलक इस फोटो में देख सकते हैं। अब बता देते हैं इनकी इनकम के बारे में। मैरी कॉम हर मंथ 5 लाख रुपए कमा लेती हैं और ये इससे अलग इंडोर्समेंट से कमाती हैं और ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अब बता देते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास मर्सिडी बैंड GLC 350D है, जिसकी कीमत 48 लाख रुपए है। इनके पास दोस्तों और भी लग्जरी कार हैं। आइए अब जान लेते हैं इनकी टोटल संपत्ति के बारे में। तो इनका टोटल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों ये था मैरी कॉम का लाइफस्टाइल वीडियो। आपको इनका लाइफस्टाइल वीडियो जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।